नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। और इस शो में हम आपको बताएंगे मार्केट के कुछ अपडेट, मार्केट में एक्शन कहां पर दिख रहा है इस वक्त, ये भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ आपके सवालों का जवाब भी देंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं स्टॉक मार्केट से जुड़े या फिर आपकी होल्डिंग से जुड़े, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फोन लाइन नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, इसके जरिए आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। और हमारा सोशल मीडिया हैंडल, ये तरीका भी आपको बता दिया गया है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और इस वक्त मार्केट पर नजर डालें तो आज भी हमने देखा कि जो शुरुआत हुई वो काफी अच्छी हुई, फिर से एक रिकॉर्ड लेवल देखने को मिला निफ्टी में, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से हल्की यहां पर सुस्ती आई और निफ्टी सपाट ही कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स भी देखेंगे तो लगभग 40 अंकों की बढ़त के साथ सपाट ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी भी फ्लैटिश ही कारोबार कर रहा है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आज काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। FMCG शेयरों में आज शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। मेटल इंडेक्स आज ऊपर है, हम देख रहे हैं चाइना में फिर से रीओपनिंग की बात की जा रही है, उनके जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देने की बात की जा रही है, जिसके चलते मेटल शेयरों में भी आज अच्छी मजबूती है। उसके अलावा ऑटो स्टॉक्स भी देखिए, कल से आएंगे नवंबर महीने के बिक्री के आंकड़े और उसके बाद उसके पहले हम देख रहे हैं कि आज ऑटो शेयरों में भी अच्छा रुझान बना हुआ है। हिंडाल्को अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद हैं। आशीष महेश्वरी जी हमारे साथ मौजूद है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर से और स्नेहा सेठ भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एंजल वन से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। स्नेहा, सबसे पहले आपसे एक टेक्निकल राय लेना चाहेंगे बाजार पर। हम देख रहे हैं कि लगातार तीन दिनों से एक नए रिकॉर्ड्स देख रहे हैं हम मार्केट में, लेकिन वहाँ से थोड़ी सुस्ती भी आती है, हल्के नीचे भी आ जाते हैं बाजार। अभी क्या रेंज बाउंड सेशन ही देखेंगी आप आने वाले समय के लिए या कोई बड़ा ट्रिगर, क्योंकि बड़ा ट्रिगर तो अभी फिलहाल है नहीं मार्केट के लिए, तो क्या करना चाहिए इस तरह के बाजार में? पूजा, अगर आप देखें मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, एक अच्छी मूव आ गई है, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट, स्पेशली आप बैंकिंग इंडेक्स देखेंगे तो वो काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक रेंज है, अगर आप देखें अपसाइड में ऑप्शंस में 18,700 की कॉल में का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जो कि अभी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। जब भी हम 18,700 लेवल्स क्रॉस करते हुए देखेंगे तब जाके एक अच्छी मूव आ सकती है। अभी के लिए जैसे स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड वो फोकस होना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छे मूव्स दिख रहे हैं काउंटर्स में, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा है वहां पर। निफ्टी के लिए अगर आप देखें तो बेस है शिफ्टेड, अगर आप देखें जो सपोर्ट है दैट इज अराउंड 18,400-18,500, तो अगर कहीं डिक्लाइंस आता है, थोड़े डिप्स आते हैं मार्केट में, तो वहां पे बाय करके ट्रेड करने की सलाह होगी। बट अभी के लिए अगर स्टॉक स्पेसिफिक या फिर सेक्टर वाइज आप देखें जो सेक्टर्स पसंद आ रहे हैं वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। तो ये राय निफ्टी में आप इस वक्त आपको दे दी गई है। चलिए अब इस वक्त कुछ सवाल भी हमें मिल रहे हैं कि करके वो भी शामिल कर लेते हैं। और पुणे से दीपक जी का सवाल आया है और इनका सवाल है जोमैटो पर, 100 शेयर्स 90 के लेवल्स पर इन्होंने लिए हुए हैं और जोमैटो को लेकर भी यहाँ पर खबरें आ रही है, अलीबाबा यहाँ पर स्टेक बेचने की खबर निकल कर आ रही है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जोमैटो में आज फ्लैटिश ही कारोबार नजर आ रहा है, लेकिन इनकी जो खरीद भाव थी वहां से इनको नुकसान झेलना पड़ रहा है, करीब 2610 रुपए का नुकसान इनको इस वक्त स्टॉक में हो रहा है। एक बार यहां पर फंडामेंटल राय ले लेते हैं। आशीष जी, जोमैटो के बारे में बताइए, ये जो लगातार किसी ना किसी कारण से ये कंपनी खबरों में ही रहती है, आपका क्या मानना है जोमैटो में जिन भी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के पास ये स्टॉक है उन्हें अब क्या करना चाहिए, अब क्योंकि बड़े हिस्सा बिक्री की भी खबरें अब निकल कर आ रही है और ब्लॉक डील्स भी हुई हैं, अब उसके बाद जोमैटो की चाल अब यहां से आपको कैसी नजर आ रही है? जी, मेरी सलाह तो इनफैक्ट किसी भी गिरावट में थोड़ा सा जोमेटो को ऐड करने की रहेगी, क्योंकि मेरा मानना है जो बल्क डील्स हैं तो जैसे बड़े प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं बट उसके सामने बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर वो एंट्री भी कर रहे हैं,
तो ये एक पॉजिटिव बात है कि जब जो एक हमें मालूम है कि उनको कभी ना कभी आके बेचना है, जो ओरिजिनल इन्वेस्टर्स हैं वो यदि निकल रहे हैं, तो मैं स्टॉक के लिए पॉजिटिव मानता हूँ। दूसरी बात, ये कंपनी का जो वर्किंग में इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो वो भी एक पॉजिटिव बात है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि चाहे डोमेस्टिक ब्रोकरेजेज हो या फॉरेन ब्रोकरेज हो, सभी इस स्टॉक की री रेटिंग कर रहे हैं। तो मेरा सलाह रहेगी 60-62 रुपये के आसपास में आप इनफैक्ट एवरेजिंग कर लीजिए, और एक साल में बिल्कुल ये स्टॉक 80 रुपए के ऊपर जाता है आपको दिखाई देगा, तो आपको प्रॉफिट भी होगा और ये आपके एग्जिस्टिंग पोजीशन का लॉस भी रिकवर होगा, और नए निवेशकों को भी मेरी सलाह रहेगी 60 रुपए के आसपास स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, चलो, ओके ओके। ये राय जोमैटो में आपको दे दी गई है। फिलहाल 63 पर कारोबार कर रहा है और आगे की चाल और आगे के फंडामेंटल्स भी यहाँ आपको बता दिए गए हैं। चलिए अब अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं, और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए हरियाणा से राकेश जी जुड़े हैं। राकेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो 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 राकेश जी, आवाज आ रही है आपको, और आपसे रिक्वेस्ट होगी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। ओके मैडम, मैडम मैंने 2 शेयर ले रखे अडानी पावर के, 141 में 25 शेयर, और एक मैडम बैंक ऑफ महाराष्ट्र ले रखे मैडम, 100 शेयर ले रखे हैं ओके 19 रुपये में। 19 रुपये में 100 शेयर्स आपने ले, और ये कितना समय दे सकते हैं आप दोनों स्टॉक को? मैडम एक शेयर SBC एक्सपर्ट है मैडम, उसके बारे में भी राय चाहिए। चलिए अभी फिलहाल आपके दो सवालों का जवाब दे देते हैं, और हल्का मुनाफा आपको इस वक्त हो रहा है स्टॉक में। अदानी पावर पर पहले यहाँ पर राय ले लेते हैं। 141 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ है, और 324 के पास इस वक्त ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। इनको अच्छा मुनाफा भी यहाँ पर हुआ होगा, लेकिन हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि स्टॉक में थोड़ी वीकनेस आई भी थी। इन्होंने अच्छे लेवल्स भी देखे होंगे, क्योंकि खरीदारी इनका जो एंट्री लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, और उसके बाद इन्होंने 400 तक के लेवल्स भी देखे होंगे, लेकिन तब से देखिए स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है इस वक्त। आशीष जी आप ही सजेस्ट करिए, अदानी पावर इस वक्त हल्का मुनाफा इनको हो रहा है, मुनाफे में कमी भी आई है, क्या करना चाहिए, अभी भी बने रहे या फिर जो भी मुनाफा हो रहा है वो लेकर निकल जाना चाहिए अदानी पावर से? जी मेरी सलाह रहेगी कि एक बार आपको जो मुनाफा मिल रहा है वो लेके निकल जाए, क्योंकि थोड़ा सा अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वहाँ हमने ओवरऑल एक सेलिंग या कई स्टॉक्स में कंसोलिडेशन का ही दौर देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में कोई बड़े ट्रिगर हैं जो स्टॉक को उसका जो 52 वीक हाई है जहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 100 रुपये करेक्ट हो चुका है वहाँ तक लेकर जा सकता है। इसकी बजाय मुझे लगता है जो PSU स्टॉक्स हैं जैसे पावर ग्रेड या PFC जैसे स्टॉक, उनका परफॉर्म करने का समय आ गया है, तो बेटर है कि आप अडानी पावर में मुनाफा घर ले जाएं और PFC या पावर ग्रेड में निवेश करें। ओके ठीक है, तो ये रहा आपको इन दोनों स्टॉक में। एक और सवाल है इनका, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये इन्होंने 19 के लेवल पर एंट्री ली थी स्टॉक में, और इस वक्त 26 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। PSU बैंकिंग में देखा आपने कि अगर सही समय में आपने एंट्री ले ली होगी तो आपको मुनाफा भी अच्छा मिला होगा, लेकिन इनके शेयरों की संख्या थोड़ी कम है, इस वजह से इतना बड़ा मुनाफा तो नजर नहीं आ रहा है। 800 रुपए के आसपास का प्रॉफिट इस वक्त इनको हो रहा है, बट स्नेहा आप सजेस्ट करिए चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, अभी बने रहे और मुनाफा देखने के लिए या फिर निकल जाएं, और कोई बैंक बैंकिंग स्टॉक आपको इन स्तरों पर अच्छा लग रहा है वो भी सजेस्ट करिए इन्हें। सी पूजा, अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पेसिफिकली बात करें तो रिसेंटली बहुत अच्छा अपमूव दिया है, और अभी के लिए मुझे लगता है कि 32-34 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आगे चल के। तो किसी ने अगर लॉन्ग किया है आई थिंक, जबकि उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं है, तो आई थिंक होल्ड किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 34-32 के लेवल्स तक के लिए। अगर स्टॉप लॉस की बात करें, अगर एक स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 25। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से अर्पित हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अर्पित जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? बेसिकली मैंने वेदांता के शेयर परचेज करे थे 316 के अंदर 1000 शेयर, और मारुति के करे थे 7 शेयर 9000 की प्राइसिंग में, तो क्या करना चाहिए? मारुति कौन से भाव पे है?
9000 सर, मारुति के परचेज कर रहे थे 9000 के भाव पर। ठीक है वेदांता, आपकी हाल की खरीद है अर्पित? 316 में 1000 शेयर। अभी हाल फिलहाल आपने खरीदे या फिर पुरानी खरीद है? सर अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही खरीदे थे, लेकिन ये डाउन ही चल रहा है, ये उठ ही नहीं रहा है, तो वो चीज है। ठीक है वेदांता, कल एक्स डिविडेंड ये शेयर ट्रेड कर रहा था। आशीष जी वेदांता, अगर कोई डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ले तब तो बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है, 17.5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड इन्होंने दिया था। अभी ये 300 रुपये के ऊपर जाकर फिर से ट्रेड कर रहा है, 200 रुपये तक आने के बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई शेयर ने। वेदांता यहाँ से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं और क्या सलाह देंगे? पिछले 9 महीने में भी देखा जाए तो 80 रुपये पर शेयर डिविडेंड आ चुका है, तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। और मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में आप बने रहें, जरूर थोड़ा सा मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सॉफ्टनिंग बीच बीच में दिखाई देता है, बट मेरा मानना है हिंडाल्को और वेदांता ये दोनों स्टॉक परफॉर्म करते रहेंगे, क्योंकि जब थोड़ा सा चाइना में सॉफ्टनिंग आ जाती है या कुछ इश्यूज आते हैं चाइना में कोविड रिलेटेड, तब ये स्टॉक करेक्ट करने लगते हैं, बट उसके बाद हमने अच्छा मोमेंटम स्टॉक्स में आता हुआ देखा है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहें, और इनफैक्ट जो नए निवेशक भी इसमें एंट्री करना चाहते हैं, यदि 10 से 15 रुपए की कभी भी गिरावट मिले तो वेदांता को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा दें, क्योंकि मेटल सेक्टर में एक तो डिविडेंड यील्ड का ये बेहतरीन प्ले, और उसके अलावा कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म भी करता रहेगा, तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ वेदांता। ठीक है वेदांता पर आशीष जी बुलिश है, लेकिन आशीष जी मारुति को लेकर आपका क्या व्यू है, क्योंकि हमने देखा है कि 9000 रुपये के ऊपर ये शेयर गया था, 10000 रुपये के आसपास तक पहुंचा था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन वाले फेज में है। ऑटो सेक्टर के लिए और पर्टिकुलरली मारुति के लिए आपका व्यू क्या है? मैं मुझे लगता है यदि ऑटो में यदि कोई बेस्ट बेट है आज की डेट में तो मारुति, और किसी गिरावट पे इस स्टॉक को लेना चाहिए। कल जो विक्री के आंकड़े आएंगे वो भी काफी अच्छे रहने वाले हैं, और जो ट्रैक्शन बना हुआ है ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में और ऑटो की एक्चुअल सेल्स में, उसका भी बिगेस्ट बेनिफिशियरी मारुति ही रहेगा, तो मेरी सलाह स्टॉक में बने रहने की रहेगी। और इनफैक्ट नए निवेशकों को हमेशा मारुति जैसे स्टॉक गिरावट पे ही बाय करना चाहिए, क्योंकि आपको अगले क्वार्टरली रिजल्ट के आने के बाद में बिल्कुल एक अच्छे रेट पे एग्जिट मिल जाएगा। ऑलराइट ठीक है, तो ये राय आपको ऑटो स्टॉक्स में मारुति में भी दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और गुरुग्राम से रामवीर यादव हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। रामवीर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरे पास धनु का एग्जिटेक के 40 शेयर हैं एट द रेट 800, लॉन्ग टर्म व्यू है सर। लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, ठीक है, तो 800 शेयर इन्होंने 710 के भाव पर लिया हुआ, और नुकसान भी यहाँ पर इनको झेलना पड़ रहा है। धानुका एग्रीटेक अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में इस स्टॉक में ज़्यादा कुछ मूवमेंट नज़र नहीं आया, एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ ये स्टॉक नज़र आ रहा था। बट आशीष जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखें तो ये क्या सही स्टॉक है पोर्टफोलियो में रखने के लिए, या फिर कोई और स्टॉक इनको आप सुझाएंगे? जी मैं इसकी बजाय आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूपीएल जो यूनाइटेड फास्फोरस के नाम से जाना जाता है वहां पर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो इंडस्ट्री लीडर है इंडिया की, ग्लोबल कंपनी भी है, और जो बायबैक वगैरह के बाद में वैल्यू भी क्रिएशन हो रही है यहाँ पे, तो मेरी सलाह रहेगी कि यदि आपको सेम सेक्टर में रहना है तो यूपीएल पे बैट करिए। मेरा एक साल का लक्ष्य यूपीएल के लिए करीब 950 रुपये का है। 50 रुपये का पौने 800 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पुणे से अनिकेत जोशी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अनिकेत गुड मॉर्निंग, पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग सर जी। मेरे पास अभी टोरेंट पावर है एट द रेट ऑफ 562, और मुझे जानना चाहता हूँ मैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है क्या, शॉर्ट टर्म में अभी इसे सेल कर दो फिर। 562 रुपये के भाव पर टोरेंट पावर का शेयर है, और हमने देखा है कि पिछले दिनों पावर स्टॉक्स बहुत तेज़ी से चले, लेकिन अब ये चर्चाएं हो रही हैं कि क्या पावर स्टॉक्स की जो तेज़ी है वो थम गई है। स्नेहा आपसे समझना चाहेंगे टोरेंट पावर को लेकर, देखिए नतीजे तो ठीक ठाक आए थे, लेकिन हमने देखा है शेयर में कहीं ना कहीं 550 से 600 रुपये के बीच जाकर ये शेयर फंस जाता है, फिर वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आती है। आपका क्या भी हो टोरेंट पावर पर मौजूदा स्तर पर, और क्या भी होल्ड करना चाहिए इसे?
आई थिंक रिसेंटली जो अप्रूव आई है उसमें थोड़े वॉल्यूम्स भी है. यहाँ पे अगर आप उसका वीकली चार्ट देखें तो बहुत अच्छा है करके कि ये 1800 के आसपास ही सपोर्ट लेता है और वहां से रिकवर करता है. तो जब तक ये इस लेवल्स के आस को रेस्पेक्ट कर, आई थिंक यहाँ पे कोई वरीसम साइन नहीं है, कोई डिक्लाइंस आते ही वहां पे लॉन्ग करके ही चलना चाहिए. मेरा मानना है जो अपसाइड में जो रेजिस्टेंस दिख रहा है अराउंड 550 के आसपास, वो इसमें सरपास होने के चांसेस है. तो आई वुड से करके कि किसी के लॉन्ग है तो होल्ड करें, अगर एक स्टॉप लॉस लगाना है तो दैट शुड बी अराउंड 520. ऑलराइट ठीक है, तो 520 के स्टॉप लॉस के साथ टोरेंट पावर में बने रहने की राय फिलहाल आपको दी जा रही है. चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं और हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़े हैं प्रयागराज से सिद्धेश जी. सिद्धेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए. हेलो हेलो जी जी सवाल पूछिए अपना सिद्धेश जी. मैं रितेश भाटिया बोल रहा हूँ, रितेश नाम है मेरा जी. सवाल ये, मैं चलिए माफ करिएगा, अपना सवाल पूछिए रितेश जी. जी मैं स्पाइस जेट के शेयर लिए थे मैं एक अक्टूबर 21 में 88 रुपीस में 70 शेयर. क्या करना है मैम उसमें अब? ओके, तो नुकसान तो आपको काफ़ी हो रहा है, बट लकीली शेयरों की संख्या इतनी नहीं थी, इस वजह से करीब करीब 3500 का नुकसान इस वक्त आपको झेलना पड़ रहा है. बट फिर भी आपके बाइंग प्राइस से ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है. आशीष जी क्या सजेस्ट करेंगे इनको, स्पाइस जेट में आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है आपका, एविएशन स्पेस में क्या स्पाइस जेट सही कंपनी लग रही है आपको, या फिर कोई और कंपनी, कोई और सेक्टर आपको पसंद आ रहा है इस वक्त? देखिए स्पाइस जेट पे मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती जब तक मैनेजमेंट चेंज नहीं हो जाए या नए इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसा ना लगाएं. तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाएं और बेटर है किसी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हुआ, यूनियन बैंक हुआ, या जैसे कि छोटा स्टॉक में रिकमेंड कर सकता हूँ धनलक्ष्मी बैंक, 17 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं. इन जैसे स्टॉक में यदि आप निवेश करके अगले एक साल तक होल्ड करेंगे तो बिल्कुल आपका ये लॉस यहाँ से रिकवर हो सकता है. स्पाइसजेट में मुझे काफी कम उम्मीद नजर आती है कि वो रेट दोबारा देखने को मिलेंगे वो लेवल्स. ठीक है, स्पाइसजेट से निकल जाना बेहतर है और बैंकिंग स्पेस में मौके आपके लिए बन सकते हैं, कुछ अच्छे विकल्प आपको आशीष जी ने सुझा दिए हैं. रंजीत जायसवाल का सवाल लेंगे पूनावाला फिनकॉर्प को लेकर. कंपनी पहले मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जानी जाती थी, 5000 शेयर हैं 242 रुपये के भाव पर और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 311 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है. आशीष जी आपसे इस पर राय लेना चाहेंगे पूनावाला फिनकॉर्प को लेकर भी. देखिए ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है इनको इस शेयर में, क्या सलाह होगी आपकी, क्योंकि निचले स्तरों से बहुत अच्छी रिकवरी दिखा के फिर से ये 52 वीक हाइज की तरफ जा रहा है. अभी जो तेजी का जो दौर है ये लगता है आपको कि जारी रहेगा? मेरी तो इनफैक्ट स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी और पूनावाला फिनकॉर्प एक लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा प्ले है. आपने देखा भी होगा कि दूसरे स्टॉक्स में इस सेगमेंट में करेक्शन आता है तो भी पूनावाला फिनकॉर्प में बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आता है. तो ये शो करता है कि स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ है, नंबर्स भी क्वार्टरली अच्छे आ रहे हैं और डिजिटल लेंडिंग के जो एक बिजनेस है उसमें एक फ्रंट रनर है ये, जिसकी काफी अच्छी पोजीशनिंग है पूनावाला फिनकॉर्प का. तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहें, एक साल का लक्ष्य 400 रुपये यहाँ पर मेरा रहेगा. ठीक है, पूनावाला फिनकॉर्प में बने रहने की सलाह है, एक साल के लिए जो लक्ष्य है वो है 400 रुपये का. चलिए इसी के साथ चलिए कुछ और भी खबरों की तरफ आपको लेके चलते हैं और इस वक्त की एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमें मिल रही है. सरकार कैपिटल गेन टैक्स के नियमों को आसान बनाने के लिए सोने जैसे कुछ एसेट्स की रीक्लासिफिकेशन पर विचार कर रही है. इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी मेघना मित्तल के पास. मेघना बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? जी, जो हम समझ पा रहे हैं अपने सूत्रों के अनुसार कि फाइनेंस मिनिस्ट्री डेफिनेटली देख रहा है कि कैपिटल गेन्स टैक्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सके, और जो सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ
ऑफिस से सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर डिटेल डिस्कशन कर लिए हैं और जो सूत्र ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ असेट्स को डिफरेंट असेट क्लासेस में जाने की तरफ डिस्कशन चल रहा है, जैसे कि गोल्ड हो गया जो करेंटली 36 मंथ्स होल्डिंग पीरियड पर है, उसको हटाकर 24 मंथ्स के पीरियड पर लाया जा सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। ये हम जानते हैं कि जो करेंटली जो तीन जो असेट क्लासेस हैं ब्रॉडली इक्विटी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असेट्स के, उसमें गोल्ड और डेट एट पार पे है अभी 36 मंथ्स के होल्डिंग पीरियड को। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ असेट क्लासेस को जैसे कि गोल्ड हो गया उसको हटाकर रियल एस्टेट के जो कैटेगरी है जो कि 24 मंथ्स पर है होल्डिंग पीरियड पर, उसको लाने की तरफ गवर्नमेंट बढ़ सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। लेकिन ये भी पता चला है कि जो फाइनल डिसीजन है वो टॉप लेवल पर लिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस द्वारा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कशंस हो चुके हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के। तो जो फाइनल डिसीजन होगा क्या वो इस बजट में आएगा कि नहीं, वो तभी होगा जब एक गो हेड मिलेगा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से। तो अब ये एक बड़ा देखना रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा फ्लिप हो सकता है ये कि गोल्ड और रियल एस्टेट को एट पार ला के 24 मंथ्स के होल्डिंग पीरियड पर कर दिया जाए, पर इस बजट में होगा कि नहीं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अप्रूवल के बाद ही फाइनल पता चलेगा। बिल्कुल, तो वित्त मंत्री ये फैसला ले सकते हैं अगले बजट में, इस तरह का कुछ कदम निकल कर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कुछ एसेट्स को लेकर कैपिटल गेन नियमों में बदलाव हो सकता है। सोने का जो होल्डिंग पीरियड है वो 36 से घटाकर 24 महीने हो सकता है, इस तरह के अपडेट आ रहे हैं। अब देखना होगा इस पर कुछ और भी अपडेट आता है तो उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, कमोडिटी की ABCD। और इस सेगमेंट में हम आपको हमेशा की तरह बताते हैं कमोडिटी सेगमेंट की कुछ छोटी छोटी बारीकियों के बारे में। और आज का टॉपिक बताने के लिए विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमेशा की तरह। विश्वमोहन बताइए आज का टॉपिक क्या है। देखिए, हमारी कोशिश यही है कि कमोडिटी मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, इसलिए हम अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं ताकि जो वो एक इन्फॉर्म ट्रेडर के तौर पर बाजार में उतरे, ताकि उनको नुकसान कम से कम हो और जोखिम को कम करे। तो आज पिवट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पिवट पॉइंट होता क्या है? पिवट पॉइंट पिछले ट्रेडिंग डे, जो कल का जो बीता हुआ दिन था, वो कल का इंट्राडे हाई लो और क्लोजिंग प्राइस का औसत है, वही पिवट पॉइंट है। आप पिवट पॉइंट डे बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, वीकली क्लोजिंग डे और हाई के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, मंथली क्लोजिंग हाई और क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो पिवट पॉइंट कैसे आपको ट्रेड करना है, अगर डे ट्रेडर है तो डे के हिसाब से आप निकालें। पिवट पॉइंट के बाद सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि वो एक सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट के ऊपर तीन रेजिस्टेंस पॉइंट बनते हैं और तीन सपोर्ट लाइन, उसके ऊपर अगर पिवट पॉइंट के ऊपर है तो उस दिन आप समझ लें कि तेजी का ट्रेंड है, जब तक पिवट पॉइंट के नीचे बाजार नहीं आता। इस चार्ट के जरिए समझिए, ये सेंट्रल पॉइंट है और यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है और तीन सपोर्ट लेवल है। इसके ऊपर जाएगा तो पहले रेजिस्टेंस के आसपास इसको ऊपर जाने में दिक्कत होगी, फिर वहां से रिट्रेस होकर ये नीचे सपोर्ट तक आएगा। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है पहला पिवट पॉइंट तो समझिए आज बाजार वीकनेस के मूड में फिर से आ गया है और यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, पहला सपोर्ट ये टूटेगा तो एक आपको आइडिया लग जाता है कि बाजार में आपको उस दिन करना क्या है। चाहे आप वीकली बेसिस पे, डे बेसिस पे या मंथली बेसिस पे इस तरह के पिवट पॉइंट बना के ट्रेडिंग को नई दिशा दे सकते हैं। हालांकि सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक पॉइंट पता हो जाएगा, उस हिसाब से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया लग जाएगा। बाकी इंडिकेटर्स के साथ अगर इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको ट्रेडिंग में काफ़ी फायदा होगा, इसलिए पिवट पॉइंट को समझना बेहद ज़रूरी है। विश्वमोहन, ये जो फॉर्मूला है पिवट पॉइंट वाला, ये कमोडिटी के अलावा क्या इक्विटी में सेम फॉर्मूला हम लागू कर सकते हैं? बिल्कुल, इक्विटी में सबसे ज्यादा सक्सेस 60-70% यहाँ पे सक्सेस रेट है, अगर मार्केट एक्सपर्ट्स ऐसा बताते हैं। और बिल्कुल जैसा कमोडिटी में लागू होता है उसी तरह से इक्विटी ट्रेडर भी इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शुक्रिया विश्वमोहन। तो बहुत ही दिलचस्प टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं बाजार में और उसको तमाम जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उसको रेस्पेक्ट करते हैं, उसका यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करके आपको रणनीति भी बताते हैं। आगे बढ़ेंगे, सवाल लेंगे शंकर प्रसाद का। हैप्पीस्ट माइंड्स के शेयर इनके पास हैं, 80 शेयर हैं, 1029 रुपये के भाव पर शेयर ट्रेड कर रहा है फिलहाल 950 रुपये के आसपास। आशीष जी, IT में देखिए चैलेंज वही है, सेम है, मार्जिन वाला जो प्रेशर है कहीं ना कहीं वो परेशान कर रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि अब थोड़े से एक तरफा ट्रेड नहीं हो रहा है, अब उथल पुथल वाला दौर है, यहाँ से बताइए आगे किस तरह का भविष्य है और हैप्पीस्ट माइंड्स में क्या निवेशित रहें या फिर कुछ और रणनीति सुझाएंगे आप? जी, मेरी इनफैक्ट निकल जाने की सलाह रहेगी हैप्पीस्ट माइंड से, क्योंकि मुझे लगता है कि
अभी आईटी एज अ सेक्टर अभी भी इन्वेस्टर की कोई बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है यहाँ पर। और यदि ये स्टॉक बढ़ना शुरू होंगे तो सबसे पहले जो फ्रंट लाइनर्स हैं वहाँ पहले मूवमेंट आएगा और अभी काफ़ी समय लगेगा वहाँ पर। तो मेरी सलाह रहेगी यहाँ से निकल के आप ओवरऑल रियलिटी के स्टॉक में बाय करें जो ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज के आसपास कोट हो रहा है और जो अट्रैक्शन बना हुआ है रियल एस्टेट सेगमेंट में। मुझे लगता है ये स्टॉक को नई ऊंचाइयों तक जल्दी ही लेके जाएगा। तो ये इस स्टॉक में 4 डिजिट जल्दी आएंगे कम्पेयर टू हैप्पीएस्ट माइंड के, तो ये बाय करने की सलाह रहेगी। ऑल राइट, ठीक है, तो ये राय आपको ओबेरॉय रियल्टी पर दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए देहरादून से विशाल जुड़े हैं। विशाल नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ जी, मैंने विप्रो के शेयर खरीदे थे 499 के हिसाब से 200 शेयर्स। ठीक है, कितना समय दे सकते हैं आप विशाल जी? 1 to 2 ईयर। ओके, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म नजरिया है विप्रो में। आशीष जी, आपसे समझना चाहेंगे आईटी स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं थोड़ा दबाव भी है, रिपोर्ट्स जो निकल कर आ रही है, आज जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई, वो कह रहे हैं वैल्यूएशन इस वक्त ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं। विप्रो आपको कैसा लग रहा है इस वक्त, अगर पूरे आईटी स्पेस की बात करें? इनको तो हल्का नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर 1 से 2 साल का व्यू है तो क्या विप्रो सही स्टॉक है, सही चुनाव है इनके लिए? विप्रो सबसे अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है ट्रेडिशनली भी, और इस बार भी कोई बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि ये परफॉर्म करेगा या आउट परफॉर्म करेगा अपने पीयर सेट को। तो मेरी सलाह है कि इस स्टॉक में से आप निकल जाएं। और मैं आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट करता हूँ जो अभी रिसेंट लिस्टिंग है, बीकाजी फूड। इस स्टॉक को पोस्ट लिस्टिंग भी मैंने आपके चैनल पर रिकमेंड किया था और अभी भी मुझे स्टॉक काफी पसंद है। स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम बना हुआ है, काफ़ी नए इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं क्योंकि फूड सेगमेंट में इंडिया की थर्ड इथनिक फूड कंपनी है ये बीकाजी फूड। और आगे जाके आगे जो वैल्यूशंस हैं वो भी मुझे अभी अट्रैक्टिव नज़र आते हैं क्योंकि फूड सेगमेंट में जो ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है उसका काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। प्लस फूड सेगमेंट में इस टाइप की बहुत ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड नहीं है तो जिसका बेनिफिट बीकाजी फूड को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में इस स्टॉक का लक्ष्य करीब 500 रुपये के ऊपर बिल्कुल जा सकता है। तो विप्रो के कंपेरिजन में आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, विप्रो से निकल के बीकाजी फूड्स में पैसे लगाने की सलाह है 500 रुपए के ऊपर के लक्ष्य के लिए। दिल्ली से सुभाष जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सुभाष जी नमस्कार, पूछिए क्या जाना है आपको? नमस्कार सर जी। सर मैंने ये IRFC खरीद रखा है 1000 शेयर जब IPO आया था उस समय का जी, तो अब इसमें बना रहा हूँ कि बेच दो कुछ इसके बारे में। आशीष जी जवाब आपको ही देना होगा। IRFC देखिए बहादुरी काम है जिन्होंने खरीदा और उससे बहादुरी काम है जिन्होंने इसको होल्ड किया। हालांकि एक ही क्लाइंट है लेकिन बड़ा क्लाइंट है, रेलवे इसी क्लाइंट भी है फाइनेंसिंग कारोबार के लिए। लेकिन हमने देखा है कि महीने भर से लगातार ये शेयर चला, 22-24 रुपये के आसपास के भाव थे, वहाँ से बढ़ के ऑलमोस्ट 1.5 गुना 2 गुना हो गया शेयर। ये अब थोड़ा सा नीचे आया है आज, ये आपका क्या व्यू है कि ये मोमेंट्री है या फिर थोड़ा सा प्रेशर अभी और बढ़ेगा और निकल जाने में ठीक रहेगा ये? नहीं, इनफैक्ट आज ही स्टॉक ने 52-week हाई को टच किया है और थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग अभी देखने को मिल रहा है। बट मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि रेलवे के ओवरऑल स्टॉक में काफी ट्रैक्शन बना हुआ है और इस स्टॉक में नजर डालें तो बुक वैल्यू के पास ही या बुक वैल्यू से थोड़ा कम ही रेट पे ही मिल रहा है। और जिसका फ्लोटिंग स्टॉक भी काफी कम है, 7-8% पब्लिक फ्लोट है। सिर्फ इशू ये है कि इसका इक्विटी बेस जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि 13,000 करोड़ का इक्विटी है इसके स्टॉक में, तो जिसके कारण से धीरे धीरे चलता है। बट मेरा मानना है कि इस समय में क्या हो रहा है कि जो रिटेल निवेशक जो लॉन्ग टर्म से फंसे हुए हैं वो वहां से निकल रहे हैं और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर स्टॉक को ऐड कर रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी अभी भी स्टॉक में बने रहने की और आप 45 रुपए का एक टारगेट माइंड में रखिए जो मुझे लगता है अगले 3 महीने में आ सकता है, वहां पर आप एग्जिट करें। IRFC में बने रहने की राय अभी भी आपको दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अंबाला से अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास नैम इंडिया है 320 के रिगार्डिंग में, 1000 शेयर्स हैं सर, इसके लिए होल्ड करने क्या कर सकते हैं सर? ओके
ठीक है स्नेहा, आप सजेस्ट करिए निपॉन इंडिया के शेयर्स हैं इनके पास, क्या करें? 1000 शेयर्स 321 के भाव पर लिया हुआ है, काफी अच्छा मुनाफा इनको इस स्टॉक में इस वक्त हो भी रहा है, अभी भी बने रहें और मुनाफे के लिए या फिर निकल जाना चाहिए? आई थिंक बने रहना चाहिए। अगर आप देखें तो एक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, बट एक अच्छा बेस फॉर्म हो गया अराउंड 410 के आसपास, तो आई थिंक यहाँ पे जब तक ये रिस्पेक्ट कर रहा है 410 इसमें होल्ड करने चाहिए। फर्स्ट टारगेट फॉर दिस काउंटर विल बी अराउंड 447-449 तक के टारगेट रहेंगे। वंस इट क्रॉसेज दैट तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है करके कि ये 480 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है आगे चल के, तो रिजर्व रेशियो काफ़ी अच्छा है, तो आई थिंक यहाँ पे होल्ड करने की सलाह होगी। ठीक है, होल्ड करने की सलाह ही शेयर को। आगे बढ़ेंगे गुजरात से, जय सत्यवादी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जय, ठीक है, जय का सवाल हमारे पास आ गया है, संपर्क उनसे हमारा टूट गया है, लेकिन सवाल यह है कि आरआईएल के रिलायंस इंडस्ट्रीज के 400 शेयर हैं 928 रुपए के भाव पर, बहुत ही आकर्षक भाव पर ये शेयर है और भाव अब यहाँ से 3 गुना हो गया है। रिलायंस जैसे स्टॉक के साथ आशीष जी यही फायदा होता है कि आपको तनाव नहीं होता है कि इसको होल्ड करें, पशुपेश में नहीं होता इंसान, समय समय पर समीक्षा कर लेता है, वो समीक्षा शायद जय भी करना चाह रहे हैं। 2727 रुपये पर भाव इसका चला गया है और हम इसमें लगातार मोमेंटम देख रहे हैं, 400 शेयर हैं इनके पास, अभी भी आप निवेशित रहने की सलाह देंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपके निवेशक को कि उन्होंने इतने समय तक पेशेंटली स्टॉक को होल्ड करके रखा और जिसके कारण से मल्टी बैगर रिटर्न उन्हें मिल रहे हैं। बट अभी मुझे लगता है कि स्टॉक को अभी भी होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि 2-3 फैक्टर हैं। एक तो जो विंडफॉल टैक्स है, शायद उसकी समीक्षा हो रही है और वो जल्दी सिस्टम से बाहर चला जाएगा, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा रिलायंस जैसी कंपनियों के लिए। दूसरा जो एक डीमर्जर हो रहा है, जहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर होगा रिलायंस, और आपको एक एक शेयर जितने आपके रिलायंस में होल्डिंग है उसके सामने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मिलेगा, वो भी एक स्टॉक में आगे जाकर ट्रेजर का काम करेगा। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहें और इस बार लगता है कि स्टॉक 3000 के लेवल क्रॉस करेगा। ऑल राइट, ठीक है, तो ये राय आपको रिलायंस में दे दी गई है और इस मुनाफे के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक खबर का रुख करते हैं, और आज फोकस में है ग्लैंड फार्मा का शेयर। हम देख रहे हैं आज स्टॉक में 3% की गिरावट देखने को मिल रही है और साथ ही साथ काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। ग्लैंड फार्मा को लेकर खबर क्या है, क्या डील हुई है और आगे के लिए क्या ट्रिगर्स हैं, ये सब समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद बताइए, कल ग्लैंड फार्मा जो फोकस में थी कि वहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि प्रमोटर्स जो है अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे बाज़ार में, और ग्लैंड फार्मा ने क्लैरिफाई भी किया कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं आई है। और आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है कि यूरोप की जो कंपनी है सेनेक्सी ग्रुप, जो CDMO प्लेयर है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनको वो अक्वायर कर सकते हैं और उसका एंटरप्राइज वैल्यू $230 मिलियन का रहेगा। अभी एक्विजिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जब उनके जो कंपनी है उनको एक लोकल सप्लायर मिलेगा ताकि उनके कॉस्ट जो है कम हो जाएंगे और एक नया मार्केट मिलेगा जहाँ पर कस्टमर्स नए रहेंगे और प्रोडक्ट्स की नई ऑफरिंग्स रहेगी। अगर डील साइज स्पेसिफिक्स की बात करें तो ईवी एबिटडा जो कैलेंडर 2021 के आंकड़े हैं वो लगभग 10 times का रखा गया है और इक्विटी वैल्यू 1000 करोड़ का रहेगा जब वो डेट जो है ऑलरेडी पे कर दे रहेंगे अपने टारगेट कंपनी का। जो नेट कंसिडरेशन रहेगा लगभग 210 मिलियन यूरोज का रहेगा और ये ट्रांजैक्शन जो है इंटरनल एक्रूअल से होने वाली है। कंपनी ने भी कहा है कि जो डील है ये एबिटा डाइल्यूटिव रहेगी इनिशियली, और इसके अलावा थोड़े मिक्स्ड व्यूज़ आ रहे हैं ब्रोकरेज से। मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि अभी वो मेंटेन ओवरवेट रखे हैं, टारगेट प्राइस रखा है 2558 रुपीज़ का, और वो कह रहे हैं कि डील जो है कॉम्प्लीमेंट्री हो रही है कंपनी की, क्योंकि आपको यूरोप की एक्सेस मिलेगी, ब्रांडेड फार्मा का एक कस्टमर बेस मिलेगा और टेक्नोलॉजीज भी मिलने वाली है। पर दूसरे साइड अगर हम लोग सिटी की बात करें तो यहाँ पे अभी सेल रेटिंग मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस रखा है 1920 रुपीज़ का, और यहाँ पे उनका कहना है कि अभी भी ये दोनों बिजनेसेस की क्या कॉम्प्लीमेंट्रीज होगी या क्या सिनर्जीज होने वाली है वो अभी तक नहीं पता है। और याद रखिए, जनरली जो जेनरिक बिजनेस होती है और CDMO बिजनेस होती है वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक इनोवेटर कंपनीज का जो एक रिलक्टेंस होता है, एक हेजिटेंस होता है कि वो अपने टेक्निकल नो हाउ को शेयर करे। तो बहुत मिक्स्ड व्यूज़ जो है आपके ब्रोकरेज हाउसेस से आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ब्रोकरेज हाउस के भी जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी मिक्स्ड हैं, और खबर भी अभी आपको यहाँ पर शरद बता रहे थे, सेनेक्सी ग्रुप में 100% हिस्सेदारी अधिग्रहण की योजना इस वक्त है, उसके बाद शेयर में आज करीब
अभी देखिए 4% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। आशीष जी, आप ग्लैंड फार्मा से जुड़ी इस खबर को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इनफैक्ट चूंकि दोनों खबरें चल रही है, सबसे पहले तो जैसे कल स्टॉक पे इतना राइज इसलिए आया कि शायद प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं, दूसरा आज एक्विजिशन का न्यूज आ गया, तो मुझे लगता है थोड़ा सा अभी कंफ्यूज स्टेट में है इन्वेस्टर्स की दोनों न्यूज को कैसे वे करें। दूसरी बात ये काफी बड़ा एक्विजिशन है और यूरोपियन मार्केट में कितना पोटेंशियल रहेगा वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि काफी बड़ा कैश आउटफ्लो कंपनी से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों न्यूज के चलते और पर्टिकुलरली एक्विजिशन न्यूज के चलते थोड़ा सा स्टॉक में प्रेशर जारी रहेगा। और तीसरी बात ये थोड़ा सा फार्मा सेक्टर दोबारा से बैक बर्नर पे चला गया है, अभी हम दूसरे फ्रंटलाइनर स्टॉक्स देख रहे हैं, वहां पे भी कोई बहुत ज्यादा बाइंग नहीं हो रहा है, तो मेरी स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह है अभी। ठीक है, ग्लैंड फार्मा को अवॉइड करने की सलाह है। कल खबर आई थी कि कंपनी खुद बिक रही है, इनके जो प्रमोटर हैं फोसुन फार्मा जो चाइना के इनके प्रमोटर हैं यहाँ पर कंट्रोलिंग स्टेक बेचने की योजना बना रहे हैं, और आज ये खबर आई कि ये कंपनी को अक्वायर करने जा रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में 4% गिरावट है, लगातार दो दिन से बहुत ही बड़ी तेजी थी, आज थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से ये शेयर नीचे आया है। आगे बढ़ेंगे, अंकित कुमार का सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है सैक्सॉफ्ट के 200 शेयर हैं 116 रुपए के भाव पर, और इनके भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है शेयर ये। इसमें स्नेहा, क्या आप राय सुझाएंगी? इनके भाव के आसपास ही है, हमने काफी ज्यादा वोलेटिलिटी इस शेयर में देखी है, आपको क्या लगता है कि आगे इनको फायदा हो सकता है या फिर कहीं और स्विच कर लें? अगर आप एक काउंटर देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, एक रिसेंटली अगर जो अप मूव आई थी अराउंड 96 लेवल से, उसमें अच्छे वॉल्यूम्स है, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है। आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा बेस फॉर्म हो रहा है टुवर्ड्स 106-107, तो जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रहा है आई थिंक यहाँ पे देर इज नो साइन ऑफ वरीसम एज सच। रिसेंटली जब भी अप मूव आए हैं वॉल्यूम्स है तो दैट इज अ गुड इंडिकेशन, आई थिंक यहाँ पे इसे होल्ड करने की सलाह होगी 106 के स्टॉप लॉस है। अपसाइड टारगेट वुड बी एक पहला टारगेट रहेगा कि 118 है, ये एक पहला टारगेट रहेगा, और अपसाइड में इसको अगर रीच करता है तो इसमें पॉसिबिलिटी है 132-134 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सैक्सॉफ्ट 113 रुपए का भाव है, याद रखिए कि इसमें स्प्लिट आया था 1:10 के रेशियो में 2-3 महीने पहले, और उसके भाव उसी रेशियो में फिर ये कम हो गए थे, अब ये 100 रुपये के आसपास 113 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 1000 रुपये से ऊपर का इसका भाव हुआ करता था, लेकिन 118 के टारगेट सुझा रही हैं आपको स्नेहा फिलहाल इस शेयर में। आगे बढ़ेंगे, वाराणसी से राजेश कुमार का सवाल लेंगे, और ये सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए ही, इनके पास है SRF के 100 शेयर 2285 रुपये के भाव पर, 2334 पर ये ट्रेड कर रहा है। केमिकल कंपनीज लास्ट ईयर 2021 धमाकेदार, 2022 थोड़ा कंफ्यूजन वाला साल आशीष जी, 2023 अब ये बताइए इसके लिए कैसा रहेगा, और SRF में क्या अभी निवेशित रहना चाहिए? जी बिल्कुल, थोड़ी सी समस्याएं तो हैं, क्योंकि जो पिछले साल का जो विंडफॉल गेन आ गया था इन कंपनीज को वो अब थोड़ा सा रियलिस्टिक हो रहा है, क्योंकि चाइना के इश्यूज के चलते हुए हमने देखा था कि जो केमिकल के प्राइसेस थे उसमें एक्सपोनेंशियल गेन आ गया था। तो अब SRF जैसी कंपनी भी देखें तो पिछले क्वार्टर में 600 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा था, इस क्वार्टर में 480 हो गया, तो जिसके कारण से थोड़ा सा स्टॉक्स में भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट फिर भी मेरा मानना है कि SRF बेटर प्लेस्ड है कंपेयर टू जो पीयर्स है उनके, क्योंकि काफी अच्छा उनका मार्केट शेयर नॉर्थन इंडिया में जिस जिस प्रोडक्ट में वो ऑपरेट करते हैं, तो अभी टाइमिंग के लिए मेरी स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी, मैं अभी बिकवाली करने की सलाह नहीं दूंगा, बट मेरा मानना है 2450 से 2500 के बीच में इस स्टॉक में से एक बार आप जब भी आए तो एग्जिट कर लें।
ठीक है, तो ये राय आपको SRF में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भी व्हाट्सएप के जरिए हमें आया प्राज इंडस्ट्रीज पर, किरण जी का। 100 शेयर्स इन्होंने 427 के लेवल्स पर लिए हुए हैं और इनकी खरीदारी अगर देखें तो कुछ एक ऊपरी स्तर पर इन्होंने यहाँ पर शायद एंट्री ले ली थी और उसके बाद इनको यहाँ पर नुकसान भी काफ़ी झेलना पड़ रहा है। स्नेहा, क्या सजेस्ट करेंगी प्राज इंडस्ट्रीज में और कितना समय इनको देना चाहिए और क्या कुछ स्टॉप लॉस भी आप सजेस्ट करेंगी इस स्टॉक में? अभी अभी काउंटर देखिए तो रिसेंटली थोड़ा सा प्रॉफिट मिला है, बट हालांकि अगर आप उसका डेली चार्ट देखें तो जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है उसके आसपास काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है। आई वोंट से करके कि ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, बट आई थिंक जब तक ये एटलीस्ट 380 ये लेवल इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए सलाह देंगे कि होल्ड करें। एक 380 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अपसाइड में जब भी काउंटर 400-405 ये लेवल्स क्रॉस करता है तो इसमें एक अच्छी मूव आ सकती है, जिसके कारण एटलीस्ट ये जो रिसेंटली जो हाई गया था अराउंड 450-455 के आसपास, वो लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि इसे होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 380। ठीक है, प्राज इंडस्ट्रीज को होल्ड करने की सलाह है स्नेहा की राय। मधुसूदन जी का सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिया है और ये है TCS को लेकर। 100 शेयर इनके पास है 3750 रुपए के भाव पर। यहाँ पर हम आशीष जी देख रहे हैं कि TCS अब इस 3000 रुपए के नीचे तो गया था लेकिन वहां से थोड़ा ऊपर आकर इस रेंज में कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। 3300 से 3500 वाली जो रेंज है, 3400 रुपए के आसपास भाव है। अब चैलेंज अक्रॉस द बोर्ड IT के लिए सेम ही है, मार्जिन वाला, क्लाइंट रिटेंशन वाला, इसके अलावा अट्रिशन से किस तरह से पार पाया जाए इसको भी कंपनियां विचार कर रही हैं। TCS, क्या आपको लगता है कि अगला साल अच्छा होने वाला है इस सेक्टर के लिए भी और TCS में भी निवेश बनाए रखना चाहिए? देखिए, TCS में इशू ये है कि एक तो जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है क्योंकि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर US और यूरोपियन मार्केट में आया हुआ है, तो उसके चलते बहुत बड़े जो डील साइज विन होती थी वो कुछ नहीं हो रहा है। बट फिर भी थोड़ा सा मोमेंटम हमें ऑफ लेट TCS में आता हुआ दिखाई दिया है, तो मेरी सलाह रहेगी कि यदि IT में रहना है तो इन्फोसिस, TCS या HCL टेक जैसे स्टॉक के साथ में ही रहना चाहिए। तो क्योंकि यदि जब भी कभी मूवमेंट आएगा तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, सबसे पहले ये स्टॉक परफॉर्म करेंगे। पर यदि आपको स्विच करना है इस स्टॉक से और किसी स्टॉक में जल्दी रिटर्न आपको कमाने की इच्छा है तो मेरा क्या मानना है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के स्टॉक में आप अभी भी निवेश कर सकते हैं। स्टॉक 900 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक में पोटेंशियल है अगले क्वार्टर के रिजल्ट तक 1100 रुपये जाने का, क्योंकि जिस हिसाब से उनके ऑर्डर आ रहे हैं प्लस अगले दो क्वार्टर में उनके कई सारे इस दिसंबर और मार्च क्वार्टर में कई सारे डिलीवरीज भी प्लान है, तो जिसके कारण से काफ़ी बड़े जो प्रॉफिट्स हैं वो अगले दो क्वार्टर में रियलाइज होंगे। तो मेरी सलाह रहेगी कि यदि आपको शॉर्ट टर्म देखना है तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स आपको 10-15% का रिटर्न अगले 1-2 महीने में भी दे सकता है। 2 महीने में 10-15% का रिटर्न मिल जाए शेयर से, मझगांव डॉक है वो शेयर, 900 रुपए के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है, आज है 2.5% के आसपास की तेजी। लेकिन आखिर में आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी को अब अदानी संवारेंगे। अदानी रियल्टी ने DLF को पीछे छोड़ धारावी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जीत लिया है। आप इसका जायजा लेने के लिए, आपको पूरी डिटेल बताने के लिए हमारी सहयोगी ऐश्वर्य पहुंची धारावी, वहां से देखिए ये खास रिपोर्ट। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, वैसे तो इस शहर की कई सारी विशेषताएं हैं लेकिन धारावी इस शहर का एक ऐसा हिस्सा है जो दुनिया की सबसे बड़ी स्लम्स या बस्तियों में से एक है। करीब 600 एकड़ पर फैला हुआ है ये इलाका और 9 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर निवास करते हैं। कल यानी 29 नवंबर को अदानी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सबसे बड़े बिडर उभर कर आए हैं धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। 15 सालों से करीब 15 सालों से महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी कोशिश रही है कि ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आगे बढ़े, पर कई कारणों से वो असफल रहे और फाइनली कल जाकर अदानी प्रॉपर्टीज़ जो है सबसे बड़े बिडर उभर कर आए हैं। इस प्रोजेक्ट को अगले 17 सालों में पूरा किए जाने की कोशिश रहेगी और उम्मीद है कि अगले 7 सालों में यहाँ के जो रेसिडेंट्स या निवासी हैं उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाए। 20,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट में इन्फ्यूज़ किए जाएंगे और ये इलाका बीके
बीएसई यानी जो बॉम्बे का एक कमर्शियल हब है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, उससे कुछ ही दूरी पर लोकेटेड है और काफ़ी स्ट्रेटेजिक माना जाएगा ये मुंबई के फाइनेंशियल हब के लिए। ठीक है, तो डीएलएफ को पीछे छोड़ा है। डीएलएफ ने करीब 2000 करोड़ रुपए की इनिशियल बिड दाखिल की थी, लेकिन अडानी ने पीछे छोड़ते हुए 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिड दी थी और टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 20000 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो इसको अब 17 साल में इसको पूरा कर लेने का लक्ष्य है और 7 साल में जो पुनर्वास का कार्यक्रम है, जो रिहेबिलिटेशन होगा, जो वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको कहीं और बसाने पर फोकस किया जाएगा। चलिए फिलहाल शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आशीष जी, स्नेहा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मुझे और पूजा को दीजिए फिलहाल इजाज़त।